निसन विटारा ब्रेजा। मारुति विटारा ब्रेजा का न्यू जनरेशन मॉडल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये कार इस बार केवल ब्रेजा नाम से बाजार में उतारी जाएगी। नई मारुति ब्रेजा के इंटीरियर और एक्सटीरियर में बड़े बदलाव नजर आएंगे। वहीं ब्रेजा मारुति की पहली ऐसी कार साबित होगी जिसमें सनरूफ का फीचर मिलेगा। इसके अलावा नई ब्रेजा में वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ नया इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पेडल शिफ्टर्स जैसे फीचर दिए जाएंगे। पहले की तरह इसमें 103 bhp की पावर वाले 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया जाएगा, जो इस बार 48 वोल्ट के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया जाएगा। मारुति सुजुकी सियाज फेसलिफ्ट। मारुति सियाज को 2014 में मार्केट में उतारा गया था, जो यहाँ हुंडा सिटी, हुंडई वरना को कड़ी टक्कर देती है। वहीं कंपनी 2022 में इस सेडान का फेसलिफ्ट वर्जन मार्केट में उतारेगी, जहाँ इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर में बड़े अपडेट्स नजर आएंगी। 2018 में इस कार को आखिरी बार फेसलिफ्ट अपडेट दिया गया था। अभी इस कार के मौजूदा मॉडल में माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है और ये काफी माइलेज फ्रेंडली सेडान होने के साथ साथ मारुति की सबसे सेफ कार है, जिसे NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है। मारुति सुजुकी बलेनो। मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट मॉडल को 2022 के किसी खास समय पर लॉन्च किया जा सकता है। इस प्रीमियम हैचबैक कार के डिजाइन और फीचर्स में मुख्य बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं मैकेनिकल पार्ट पर बदलाव की संभावना कम है। न्यू 2022 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट मॉडल में कनेक्ट कार टेक्नोलॉजी, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्लाइमेट कंट्रोल के साथ नया स्विच गियर और नए डिजाइन का डैशबोर्ड दिया जाएगा। इसमें पहले की तरह 1.2 लीटर नेचुरली एस्पायर्ड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो SHBS टेक्नोलॉजी के बिना 83 bhp की और SHBS के साथ 91 bhp की पावर जनरेट करने में सक्षम होगा।